31 जुलाई 2024 की सुबह तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की हत्या हो गई थी और ईरान के इस हत्या का आरोप इसराइल पर लगाया गया था और इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कहा था कि इसराइल को सजा देने का एक कठोर मैदान तैयार हो चुका है। हालांकि इसराइल पर हमले को लेकर ईरान के नेताओं में आपसी फूट की बात सामने आई थी, क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला से कहा था कि इसराइल पर सीधा हमला करने के बजाय उसके बंदरगाह या फिर इराक या सीरिया में उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाए, लेकिन ईरानी सेना इसराइल पर सीधे मिसाइल हमले की जिद पर अड़ी हुई है। और अब इसी कड़ी में आयतुल्ला के एक बयान ने ईरान में खलबली मचा दी है। दरअसल आयतुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि अगर हम सब पीछे हटे और इसराइल को बिना सजा दिए जाने दिया गया तो यह ईश्वरीय प्रकोप होगा। दरअसल न्यूज एजेंसी ईरान इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आयतुल्ला ने इसराइल को लेकर एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा है, पवित्र कुरान के अनुसार कोई भी गैर रणनीतिक वापसी, चाहे वह सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक हो, ईश्वरीय प्रकोप को आमंत्रित करती है। आयतुल्ला ने अपने बयान में आगे कहा कि जो सरकारें आज के प्रमुख शक्तियों की मांगों के आगे झुक जाती हैं, चाहे वे जिस भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हों, वे इन दबाव का सामना कर सकती हैं यदि वे अपने लोगों की ताकत का लाभ उठाएं और अपने विरोधियों की वास्तविक स्पष्ट क्षमताओं का सही आकलन करें। वहीं अगर ईरान के राष्ट्रपति के स्टैंड की बात की जाए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसराइल पर हमले को लेकर सुप्रीम लीडर की हां में हां मिलाई। ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्किन का कहना है कि ईरान को जवाबी हमले का अधिकार है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ हम उसे धरणात्मक सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक गंभीर और खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि ईरान इसराइल के प्रमुख आबादी केंद्रों के खिलाफ एक नया पूर्वी आतंकी मोर्चा स्थापित करने की कवायद में जुटा है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि ईरान के खतरे को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका एकदम चौकन्ना हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दी है। अमेरिका की एक ग्लोबल स्ट्राइक कैरियर और अब्राहम लिंकन युद्धपोत मिडिल ईस्ट के लिए चल पड़ा है।